आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में एंड आप सभी को नमस्ते। तो यार बहुत लोगों की डिमांड थी कि छोटी सी वीडियो बनाई जाए जिसके बारे में ग्रैंड प्रेरे के बारे में पूरा बताया जाए कि वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी कैसी है, लोग कैसे, कल्चर कैसे है, नॉर्थ वेस्टर्न पॉलिटेक्निक कॉलेज कैसे है, और अगर वहाँ से हम पढ़ाई करते हैं तो वहाँ पे हमें आराम से जॉब मिल जाएगी फुल टाइम ग्रैंड प्रेरे के अंदर ही, या वहाँ का पीआर प्रोसेस कैसा है, रेंट एकोमोडेशन कैसा है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, तो सभी पे बात करूँगा। और ज़्यादा कुछ खास है नहीं इस वीडियो में, तो मैं वीडियो को बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प रखूँगा, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपको बताऊँगा और हर एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगा। तो जो भी मैं बताऊँगा इट्स अ रियलिटी, इट्स अ ट्रूथ, जैसा है मैं वैसे बताऊँगा, ना एक पॉइंट ऊपर ना एक पॉइंट नीचे। तो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, और आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हो, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है आपके लिए। और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना, और इफ़ यू वांट टू सपोर्ट दिस चैनल यू कैन सपोर्ट बाय सब्सक्राइबिंग इट। सो बात करता हूँ ग्रैंड प्रेरे की रिगार्डिंग। यह सिटी बहुत बड़ी नहीं है, नई सिटी बहुत छोटी है, तो अराउंड 130-140 किलोमीटर्स की सिटी है। और एक्चुअली ना सिटी फैली हुई है, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर्स है, ऐसा कुछ सीन नहीं है। 3-4 बिल्डिंग्स या जो भी बिल्डिंग्स है वो मैक्सिमम अपार्टमेंट्स है, और 1-2 कमर्शियल बिल्डिंग्स भी है। बाकी फैसिलिटी हर चीज़ की अवेलेबल है, मतलब ऑलमोस्ट सब कुछ नहीं है लेकिन काफ़ी कुछ है, मतलब इतनी चीज़ें हैं कि आपकी सारी बेसिक नीड्स आपकी आराम से फुलफ़िल हो जाएगी। तो मैं बात करता हूँ स्टार्टिंग में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के रिगार्डिंग। तो भाई पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन तो थोड़ा डामाडोल है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के नाम पर सिर्फ पब्लिक बस है, और बस सर्विस ठीक ठाक है, 25-30 मिनट में आती है, इतनी कोई ख़ास सर्विस नहीं है, और आपको सारी चीज़ें आराम से मिल जाती है। अगर आपके पास बाइसाइकिल है तो बहुत अच्छी बात है, अगर बाइसाइकिल नहीं है तो मैं आपको एक एडवाइस करूँगा, बाइसाइकिल ले लो, इट वुड बी मच बेटर। अगर आप गाड़ी ख़रीदना चाहते हो तो गाड़ी ऊँग कर लो, गाड़ी होगी तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा कि पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने के लिए। बाकी बस पास बना लेना, लेकिन इतना कोई ख़ास पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, और बस की सर्विस भी ठीक ठाक है, मतलब आधे घंटे 40 मिनट के गैप में आती है। पीआर देखो यार, जितने भी लोग माइग्रेट करते हैं ग्रैंड प्रेरे में, उनका फोकस यही होता है कि हमें जल्दी और इजी पीआर मिल जाएगा, क्योंकि रूरल एरिया है, सिटी है, बहुत नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ अल्बर्टा है, लेकिन वहाँ पे पीआर मिलना और पीआर के अलग से कुछ ज़्यादा पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो हर किसी का फोकस ये रहता है कि अगर वहाँ पे एडमिशन लेते हैं लाइक नॉर्थ वेस्टर्न पॉलिटेक्निक कॉलेज में तो हमें पीआर में पॉइंट्स ज़्यादा मिल जाएंगे। देखो अल्बर्टा में आप कहीं भी पढ़ो, जब एडमंटन हो, कैलगरी हो, रेडियर हो, ग्रैंड प्रेरे हो, या किसी और सिटी में कर रहे हो, अगर आप 1 ईयर का कोर्स करते हो ऑटोमेटिकली वैसे ही एलिजिबल हो जाते हो। आपको 6 मंथ्स का फुल टाइम वर्क करना है, आप पीआर के लिए फाइल लगा सकते हो पीएनपी में, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो सेम गोज टू ग्रैंड प्रेरे भी ऐसा ही है। अगर मैं आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के रिगार्डिंग कहूँ, चाहे पार्ट टाइम हो फुल टाइम हो, तो अगर ग्रैंड प्रेरे की जो इकॉनमी है ना वो चलती है नेचुरल गैस पे और पेट्रोलियम पे, तो वहाँ पे उसकी इंडस्ट्री है, वहाँ पे आपको फुल टाइम जॉब मिल सकती है अगर आप अप्लाई करो आफ्टर कंप्लीटिंग योर एजुकेशन, जब आप वर्क परमिट पे आ जाओगे। लेकिन अगर आप सोचो कि मुझे वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब मिल जाएगी, तो ऐसी इंडस्ट्री में आपको पार्ट टाइम जॉब नहीं मिलती, आपको पार्ट टाइम जॉब के लिए वर्क करना पड़ेगा किसी रिटेल चेन में, डोलोरामा में, फ्रेशको में, वॉलमार्ट में, कॉस्को में, या किसी लोकल स्टोर में। और अगर आपको सही में बताऊँ तो पॉपुलेशन अराउंड 70,000 के करीब है इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स, तो इतनी जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, जॉब्स के लिए आपको मारामारी है और आपको बहुत मुश्किलें आएगी। ज़रूरी नहीं है कि आपको जॉब मिल जाए, कभी कभार ऐसा भी है, मैं कई लोग जानता हूँ जिनको 2.5-3 महीने या 3-4 महीने हो चुके हैं और उनको अभी तक कोई जॉब नहीं मिली है, तो ऐसा भी हाल होता है। देखो एक चीज़ कहूँगा, जहाँ पे पीआर मिलना ईजी है वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी और क्लाइमेट तो दिक्कतें आएगी, मुश्किल चीज़ें होगी। वेदर हार्श है, विंड स्ट्रॉन्ग है, पूरे अल्बर्टा में हो चाहे मैनिटोबा हो चाहे सस्कैचवान हो, यहाँ पे पीआर मिलना ईजी है लेकिन वेदर बड़ा हार्श है। 5-6 महीने वेदर हार्श रहेगा, ठंड रहती है, बर्फ़ अच्छी खासी पड़ती है, -30-40 डिग्री का टेम्परेचर जाता है यहाँ पे। तो अगर इस पर सर्वाइव कर सकते हो तो आपके लिए अच्छी बात है, अगर नहीं कर सकते हो तो आपको सोचना पड़ेगा। तो यार बात करते हैं रेंट एंड अकोमोडेशन के रिगार्डिंग। रेंट अकोमोडेशन इतना महंगा नहीं है, बहुत सस्ता है, अगर आप सिंगल है, बैचलर है, या अगर आप फैमिली के साथ भी आ रहे हैं। चलो मैं पहले बात करता हूँ सिंगल की, अगर आपको एक प्राइवेट रूम चाहिए टाउन हाउस में, अच्छा बहुत लोगों को पता नहीं होता टाउन हाउस होता क्या है, मैं आपको सिंपल से लैंग्वेज बता दूँ टाउन हाउस होता क्या है। जैसे इंडिया में कोठी होती है ना, तो वैसे ही यहाँ पे टाउन हाउस होता है, सेम चीज़ सेम कंसेप्ट है, आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, सेम चीज़ होती है। मतलब मान लो कि कोठी ही टाउन हाउस है, अब टाउन हाउस में अगर आपको एक रूम चाहिए, प्राइवेट रूम चाहिए, तो आपको आराम से $250-300 में मिल जाता है, लेकिन यूटिलिटीज़ मतलब पानी और बिजली इंक्लूडेड नहीं होता, उसके लिए आपको $70 या $100 आराम से, इतना कुछ लगभग आता है डिपेंडिंग अपॉन वो कितने मांगते हैं आपसे,
कितना आपको पे करना पड़ता है, तो ऑलमोस्ट आपको 300 और 400 के बीच के अंदर आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम इतने में आपको एक प्राइवेट रूम मिल जाता है। अगर आपको मैं अपार्टमेंट की बात करूँ, अपार्टमेंट आपको 1 BHK 2 BHK अवेलेबल है और आपको $700 से $900 के अंदर आपको मिल जाता है। कई अपार्टमेंट्स में यूटिलिटीज़ मतलब पानी और बिजली इंक्लूडेड होती है और कई जगह इंक्लूडेड नहीं होता, वहाँ पे आपको अलग से पे करना पड़ता है। अराउंड $100 अ मंथ आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। अपार्टमेंट्स जगह आपको रहने के लिए आराम से मिल जाएगी, लेकिन अब वो देखो अपार्टमेंट्स में एक चीज़ और है, अपार्टमेंट्स में कुछ महंगे भी सकते हैं, कुछ सस्ते भी सकते हैं, कुछ $700 के भी सकते हैं पर मंथ, कोई $900 के भी पर मंथ हो सकते हैं। इट्स ऑल डिपेंड कि अपार्टमेंट कितना मॉडर्न है और कितनी वो फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं हर एक चीज़ के रिगार्डिंग, चाहे वो लिफ्ट से रिलेटेड हो, जिम हो, स्पोर्ट्स अंदर एक स्पोर्ट्स रूम भी होता है और सिक्योरिटी के रिगार्डिंग हो, तो इट्स ऑल डिपेंड ईच एंड एवरीथिंग। अगर ज़्यादा फैसिलिटीज़ है तो थोड़ी चीज़ें महंगी होगी, अगर कम फैसिलिटीज़ है तो चीज़ वो सस्ती होगी, बाकी ऑलमोस्ट बहुत सस्ता है। अभी जो ग्रैंड पेरेरे है ना, वहाँ पे उसका एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है और जो एयरपोर्ट है वो वेल कनेक्टेड है एडमंटन से, कैलगरी से और बाकी डिफरेंट सिटीज से, इवन टोरंटो से, वैंकूवर, मॉन्ट्रियल से भी। इतनी सर्विस अच्छी नहीं है लेकिन आपको मिल जाती है, फ़्लाइट मिल जाती है, मतलब ये मान लो कि एक हफ्ते में 3-4 दिन फ्लाइट चलती है, आपको एक एक फ़्लाइट मिल जाती है, मतलब आराम से आप अगर आपको पॉइंट ए से किसी एक सिटी से किसी दूसरी मेट्रोपॉलिटन सिटी जाना हो तो आप जा सकते हो। लेकिन जो नियरेस्ट सिटी है वो है एडमंटन, जो अराउंड 460 या 470 किलोमीटर है अराउंड एडमंटन, और ये जो ग्रैंड पेरेरे है ये पड़ता है हाईवे नंबर 40 और 43 पे जो सीधा सस्कैचवान को जाता है। तो ज़्यादा इसमें कुछ खास है नहीं ग्रैंड पेरेरे में, बाकी इंडस्ट्री जो है वो पेट्रोलियम नेचुरल गैस की है, स्नो बहुत पड़ती है, हार्श वेदर है, -30-40 डिग्री तो इनका एवरेज टेम्परेचर है। इतने में आपको सर्वाइव करना चाहते हो, सर्वाइव कर सकते हो तो कर सकते हो तो कर लो, बहुत अच्छी बात है। बाकी एक ही यूनिवर्सिटी है, नॉर्थ वेस्टर्न पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, कोर्सेज उसके बहुत अच्छे हैं, डिफरेंट कोर्सेज है, हर तरह के कोर्स आपको मिल जाएगा, चाहे वो IT फील्ड से हो, बैचलर मैनेजमेंट फील्ड से हो, या बैंकिंग फील्ड से हो, फाइनेंस से हो, अकाउंटेंसी हो, आपको डिफरेंट कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। प्रोफेसर्स टीचर्स बहुत अच्छे हैं, और अगर आपको कम्युनिटी की बात करूँ तो वहाँ पर इंडियन कम्युनिटी ज़्यादा है और थोड़े बहुत अफ्रीकन रीजन से भी लोग काफ़ी है, बाकी सारे कैनेडियंस हैं और थोड़े बहुत हल्के फुल्के लैटिन कंट्रीज से भी लोग हैं, लैटिन या थोड़े हल्के फुल्के चाइनीज़ भी हैं, मतलब ज़्यादा लोग नहीं है, मतलब जो मोस्टली है वो या तो इंडियंस है या तो कैनेडियंस है, मैक्सिमम कैनेडियंस है, फिर इंडियंस है, फिर थोड़े बहुत हल्के चाइनीज़ या लैटिन लोग हैं, और इक्के दुक्के साउथ एशिया रीजन से या तो वो पाकिस्तानी या तो बांग्लादेशी, मतलब बहुत ही माइनर है। तो ये है पूरा ग्रैंड पेरेरे। तो यार जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि जॉब्स के लिए आपको दिक्कतें आएगी, ये चीज़ आप याद रखना, PR ईजी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन स्किल्स जितने ज़्यादा सीख के आओगे उतने ज़्यादा ऑप्शंस, बेटर अपॉर्चुनिटी और उतना ज़्यादा अर्न कर पाओगे। लेकिन आपको मैं इसमें एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं है आपके पास स्किल्स है तो आपको आराम से नौकरी मिल ही जाएगी। यहाँ पे ऐसा कुछ काम दाम है नहीं, इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है। अगर आपके पास थोड़े बहुत अच्छे स्किल्स हो, मल्टी टैलेंटेड हो, प्लम्बर भी आता हो, इलेक्ट्रीशियन वाला वर्क भी आता हो, या अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है अपनी होम कंट्री में, तो एब्स्ट्रैक्ट लेटर ज़रूर बना के आना, तो आपके लिए ईजी होगा कि आप यहाँ पर आराम से G2 का लाइसेंस बना पाओगे और किसी भी लॉजिस्टिक कंपनी में या किसी भी डिलीवरी कंपनी में वर्क कर पाओगे, चाहे वो आपको सबवे में वर्क करना हो या लाइक पिज़्ज़ा हट में वर्क करना हो डिलीवरी का, तो आपके लिए थोड़ा ज़्यादा एक ऑप्शन खुल जाता है टू अर्न अ मनी। बाकी इतना कुछ खास है नहीं ग्रैंड पेरेरे, बाकी जो एडमंटन है नियरेस्ट सिटी, उसके बाद कैलगरी पड़ती है। तो आपको मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि यहाँ से कंप्लीट करो अपनी एजुकेशन, कुछ टाइम वर्क करो, और वर्क करने के बाद मतलब 6 महीने वर्क करो और उसके बाद आप PR लगा दो अगर आपको यहाँ पे जॉब नहीं मिलती है फुल टाइम, तो अल्बर्टा में किसी भी जगह वर्क कर लो, उसमें कोई इशू नहीं है, बस एटलीस्ट अपनी एजुकेशन यहाँ से कंप्लीट कर लेना जिससे आपको पॉइंट्स मिल जाए और आपकी एजुकेशन हो जाए, और उसके बाद 6 मंथ्स कहीं भी वर्क करो अल्बर्टा में, उसके बाद अपनी PNP में PR की फाइल लगाओ, वेट करो जब तक वो PR नहीं आ जाता। एक इंपॉर्टेंट चीज़, अपनी जॉब तब तक मत छोड़ना जब तक आपके हाथ में PR ना आ जाए, उसके बाद जैसे ही PR आ जाए अगले दिन जॉब छोड़ देना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस PR हाथ में आ जाएगा, उसके बाद जो मर्जी जो करना है करो, नौकरी करनी है करो, अपना बिजनेस स्टार्ट करना है करो, जो करना है करो, बाकी वो आपकी चॉइस है। तो वीडियो में इंपेंड करता हूँ, वीडियो पसंद आती है कर देना, और इफ यू वांट टू सपोर्ट दिस चैनल यू कैन सपोर्ट बाय सब्सक्राइबिंग, एंड इफ यू वांट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम थ्रू navil.chawla, इट्स माय ID, आप मुझे फॉलो कर सकते हो। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड एंजॉय योर लाइफ, टेक केयर।